नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन एस में आपका स्वागत है। मैं हूं मयूरेश और हम डिस्कस करेंगे 16th में टू 20 में के करंट अफेयर्स। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन किया है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारे आज के डिस्कशन के टॉपिक्स है। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। तो रिसेंटली यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, इनके बीच एक मीटिंग हुई वेस्ट बैंक को लेके। तो वेस्ट बैंक एक लैंडलॉक टेरिटरी है, यहाँ पे आप हम मैप में देख सकते हैं। ये येलो कलर में इसराइल और यहाँ पे वेस्ट बैंक पिंक कलर में। तो वेस्ट बैंक यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके ईस्टर्न साइड में जॉर्डन और इसके फिर नॉर्थ वेस्ट और साउथ साइड में इसराइल। तो लैंडलॉक्ड है वेस्ट बैंक। तो इसके हम बैकग्राउंड में देख लेते हैं वेस्ट बैंक के इश्यू को। तो 1948 में अरब इसराइल वॉर में वेस्ट बैंक को जॉर्डन ने कैप्चर कर लिया था। फिर 1967 में सिक्स डेज वॉर हुआ और उस वॉर में इसराइल ने इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला और गाजा स्ट्रिप को कैप्चर कर लिया, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम को कैप्चर कर लिया और सीरिया से गोलन हाइट्स को कैप्चर कर लिया। इसके कैप्चर करने के बाद में इसराइल ने अपने करीबन 4 लाख लोगों को वहां पे सेटल कर दिया वेस्ट बैंक के अंदर। तो वहां पे ऑलरेडी 26 लाख पैलेस्टाइनियंस वहां पे रह रहे थे। तो इन पैलेस्टाइनियंस का ऐसा आरोप है कि जो भी इसराइली सेटलमेंट वहां पे है वेस्ट बैंक में वो इलीगल है। तो फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने वेस्ट बैंक के अंदर जो भी इजरायली सेटलमेंट्स है उनको फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन का वॉयलेट करते हुए बताया है। तो फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन क्या है? कोई भी फॉरेन पावर किसी भी लोकेशन को, किसी भी कंट्री के लोकेशन को जब कैप्चर करती है तब अपने सिविल पॉपुलेशन को वहां पे वो सेटल नहीं कर सकती। फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो बना था 1998 में रोम स्टेट्यूट से, उसने भी ऐसे हरकतों को वॉर क्राइम्स करके डिक्लेयर किया है। फिर यूएसए का यहाँ पे क्या स्टैंड है? तो यूएसए ने इसराइल के स्टैंड को यहाँ पे सपोर्ट किया है। इसराइल ने जो भी वहां पे वेस्ट बैंक के अंदर जो भी अपने सेटलर्स वहां पे भेजे उसको सपोर्ट किया इसराइल ने और यूएसए ने, और यूएसए इसे इंटरनेशनल लॉ का वायोलेशन नहीं मानता। यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पे इसराइल, यहाँ पे वेस्ट बैंक, यहाँ पे गाजा स्ट्रिप, देन यहाँ इसराइल के यहाँ पे देख सकते हैं आप इजिप्ट, इस तरफ आप देख सकते हैं मेडिटेरेनियन सी, इसके नॉर्थ में लेबनान, इस तरफ है सीरिया, यहाँ पे जॉर्डन, फिर वेस्ट बैंक, इसराइल और जॉर्डन के बीच में आपको मिलेगी डेड सी, और गोलन हाइट्स और इसराइल के बीच में आपको मिलेगी सी ऑफ गलीली। तो लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स के अंदर। यहाँ पे आप जेरूसलम भी देख सकते हैं जो कि डिस्प्यूटेड है इसराइल और वेस्ट बैंक के बीच में। तो हम जेरूसलम के इशू को यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। तो 1990s में अभी जेरूसलम का इशू क्या है कि दोनों भी इसराइल और जो पैलेस्टाइनियंस है वो दोनों भी जेरूसलम के ऊपर अपना क्लेम कर रहे हैं। जेरूसलम में जो रीजन है वो रिलीजियसली सैक्रेड है, इंपॉर्टेंट है क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और ज्यूज लोगों के लिए। ओके, तो इसराइल और पैलेस्टाइनियंस के बीच में जेरूसलम के ऊपर से इशू है और 1990s में इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए ऑस्लो अकॉर्ड साइन हुए थे और उस अकॉर्ड के अनुसार इसराइल और जो पैलेस्टाइनियंस है वो आपस में नेगोशिएशन से इस इशू को सॉल्व करने वाले थे। बट जो नेगोशिएशन है वो डेड है, यानी अब वो आगे ही नहीं बढ़े। जो पैलेस्टाइनियंस लोग हैं वो वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप को लेके पैलेस्टाइन बनाना चाहते हैं इंडिपेंडेंट और उनको ईस्ट जेरूसलम अपना कैपिटल बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में, यहाँ पे वेस्ट बैंक और यहाँ पे गाजा स्ट्रिप, तो इन दोनों को मिलाकर वो पैलेस्टाइन बनाना चाहते हैं और यहाँ पे जो जेरूसलम है उसका ईस्टर्न पार्ट उन्हें अपना कैपिटल बनाना है। तो फिलहाल जेरूसलम इसराइल के कैप्चर में है और इसराइल ने इससे अपना कैपिटल भी घोषित कर दिया है। तो इंडिया का यहाँ पे स्टैंड क्या है? तो इंडिया हमेशा टू स्टेट सोल्यूशन को यहाँ पे सपोर्ट करते आया है। इंडिया पैलेस्टाइन को भी सपोर्ट करता है और इसराइल को भी सपोर्ट करता है। 1950 में इंडिया ने इसराइल को एज एन स्टेट करके रिकॉग्नाइज कर दिया था। फिर उसी के बाद इंडिया ने पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को भी
इंडिया फर्स्ट नॉन अरब कंट्री था जिसने पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को एज एन रिप्रेजेंटेटिव पैलेस्टाइन पीपल का वो वहां पे सपोर्ट किया था इंडिया ने, और 1988 में इंडिया ने पैलेस्टाइन स्टेट को भी रिकॉग्नाइज कर दिया था। तो इंडिया एक बैलेंसिंग एक्ट करता है इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक है सुपर साइक्लोन अम्फन। तो रिसेंटली इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आया था, उसका नाम है साइक्लोन अम्फन। तो इसके हम बेसिक्स में जाते हैं। तो बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन ओरिजिनेट हुआ था, ये सुपर साइक्लोन है, और वेस्ट बंगाल, ओडिशा और बांग्लादेश के रीजन को इस साइक्लोन ने बुरी तरह से अफेक्ट किया है। इस साइक्लोन को जो नेमिंग है, उसको जो नाम है, वो थाईलैंड ने दिया है, और ये पिछले दो साल में सेकेंड प्री मानसून साइक्लोन है। तो इसके पहले भी साइक्लोन फनी आया था कुछ सालों पहले। तो क्या फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन बनने के, तो उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले लार्ज सरफेस एरिया और हायर टेम्परेचर ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस, ये फर्स्ट फैक्टर है। सेकेंड फैक्टर है कोरियोलिस फोर्स। आपको पता है कि कोरियोलिस फोर्स कैसे बनता है, अर्थ के रोटेशन से। देन थर्ड फैक्टर है जो वर्टिकल विंड स्पीड, उसके अंदर जो वेरिएशन होता है वो एक फैक्टर है साइक्लोन बनने का। फोर्थ फैक्टर है जो भी लो प्रेशर एरिया क्रिएट होते हैं और जो लो साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है वो एक फैक्टर है साइक्लोन क्रिएट होने का। और फिफ्थ फैक्टर है अपर एयर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम। फिर इसके अंदर हम देख लेते हैं कि अरेबियन सी के अंदर साइक्लोन्स क्यों नहीं बनते एज कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल, यानी बे ऑफ बंगाल में क्यों ज्यादा साइक्लोन्स बनते हैं एज कम्पेयर टू अरेबियन सी। तो कुछ फैक्टर्स है यहाँ पे। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। तो बे ऑफ बंगाल का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा एज कम्पेयर टू अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल हॉट एज कम्पेयर टू अरेबियन सी, और जो हॉट टेम्परेचर के कारण वहाँ पे एवोपरेशन ज्यादा होता है, वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है और वहाँ पे साइक्लोन ज्यादा बनते हैं। सेकेंड फैक्टर है सैलिनिटी। तो अरेबियन सी की सैलिनिटी ज्यादा एज कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल की सैलिनिटी कम होने के कारण वहां पे हीटिंग ज्यादा होती है, वहां पे ऑपरेशन ज्यादा होता है और वहां पे साइक्लोन्स बनते हैं। थर्ड फैक्टर है लोकेशन। तो बे ऑफ बंगाल पैसिफिक ओशन से नजदीक है और पैसिफिक ओशन के अंदर जो टाइफून जनरेट होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं बे ऑफ बंगाल के अंदर साइक्लोन्स तैयार होने के लिए। देन है मूवमेंट। तो अरेबियन सी के अंदर जो भी साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, और नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ते यानी क्या, इंडिया के मेनलैंड से वो दूर चले जाते हैं, इसलिए इंडिया को अफेक्ट नहीं करते। और फिर नेक्स्ट फैक्टर है कि जो बे ऑफ बंगाल है उसे ज्यादा रेनफॉल मिलता है और उसे हमेशा कांस्टेंट फ्रेश वाटर का फ्लो मिलते रहता है गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से, और उसी कारण जो भी फ्रेश वाटर जो है उसी जो ऊपर जो फ्रेश वाटर आते हैं उसी कारण जो नीचे कूल वाटर होते हैं समुद्र के अंदर वो ऊपर के हॉट वाटर से मिक्स नहीं हो पाता और उसी कारण वहां पे डिप्रेशन बन जाते हैं साइक्लोन फॉर्म होने के लिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चाइना ताइवान रिलेशंस। तो रिसेंटली यूएसए ने बाकी के कुछ नेशन से सपोर्ट मांगा है कि ताइवान को डब्ल्यूएचओ को मेंबरशिप मिल जाए। तो ताइवान फिलहाल डब्ल्यूएचओ का पार्ट नहीं है और चाइना ताइवान के मेंबरशिप को वहां पे अपोज करते आ रहा है। तो उसके हम बैकग्राउंड्स को जान लेते हैं ताइवान और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट्स को। तो चाइना हमेशा ताइवान के ऊपर क्लेम करता है अपने वन चाइना पॉलिसी के तहत, उसके अंतर्गत। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि जब 1949 में जब सिविल वॉर चाइना में हुआ था तो चाइना की जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, उसका नाम था कोमिंगतांग, वो चाइना से मेनलैंड चाइना से ताइवान में चलेगी और वहां पे उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना वहां पे स्थापन कर दिया और जो मेनलैंड चाइना है वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट बनी और उसका नाम हो गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो दोनों में वहां पे आप फर्क देख लेना। और इसके बाद में चाइना ने हमेशा वहां पे कहा कि जो ताइवान है हमारा इंटीग्रल पार्ट है, वो अलग नहीं है, अलग कंट्री नहीं है। तो चाइना हमेशा ताइवान के ऊपर अपना क्लेम करता है। तो चाइना एक सेल्फ गवर्न वहां पे बॉडी है और एक इंडिपेंडेंट वहां पे काम करता है, बट उसने कभी भी अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर नहीं किया मेनलैंड चाइना से। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां की जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ कहती कि हमारा जो हम यहाँ पे लीगल वहां पे हकदार है चाइना के, बट उन्होंने कभी भी इंडिपेंडेंस वहां पर डिक्लेयर नहीं किया मेनलैंड चाइना से। तो वन कंट्री और टू सिस्टम फॉर्मूला है और ताइवान को अपने जो भी अफेयर्स उसको रन करने का वहां पे अधिकार है। तो ताइवान जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन और एशियन डेवलपमेंट बैंक का मेंबर्स है। तो यहाँ पे याद रखना कि जो मेनलैंड चाइना वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और जो ताइवान है वो एक रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं, ये मेनलैंड चाइना, इसे हम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहते हैं, और यहाँ पे ताइवान।
इसे हम रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कह सकते हैं। तो दोनों की जो गवर्नमेंट है वो क्लेम करती है कि हम ही असली चाइना है। तो वन चाइना पॉलिसी यहां पे हम देख लेते हैं कि वन चाइना पॉलिसी के अंदर जो चाइना है, मेनलैंड चाइना जो है वो क्लेम कर रहा है कि ताइवान हमारा ही इंटीग्रल पार्ट है, वो अलग नहीं है। और चाइना का ये भी कहना है कि किसी भी कंट्री को अगर चाइना के साथ अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने हैं तो उन्होंने वन चाइना पॉलिसी को उन्हें मानना पड़ेगा, यानी वो ताइवान के साथ वो अलग सा रिलेशन नहीं रख सकते। तो यूएसए इस पॉलिसी के तहत चाइना ताइवान के साथ भी नॉन ऑफिशियल रिलेशन मेंटेन करके रखा है। तो इंडिया के यहाँ पे क्या स्टैंड है, तो इंडिया का ताइवान के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन है नहीं, क्योंकि इंडिया का चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन है, और बट इंडिया ताइवान के साथ अलग अलग फील्ड्स के अंदर कोऑपरेट करता है। बट 2010 से इंडिया ने वन चाइना पॉलिसी को एंडोर्स करना बंद कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है अफगानिस्तान पावर शेयरिंग डील। तो रिसेंटली अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी और उनके जो पॉलिटिकल राइवल अब्दुल्ला अब्दुल्ला, उनके बीच में एक पावर शेयरिंग एग्रीमेंट साइन हुआ है। इस एग्रीमेंट के तहत मिस्टर घनी प्रेसिडेंट बने रहेंगे और मिस्टर घनी और मिस्टर अब्दुल्ला दोनों मिलके कैबिनेट के अंदर इक्वल मिनिस्टर को चूज करेंगे, और जो रिकंसिलेशन काउंसिल बनेगा उसके हेड होंगे मिस्टर अब्दुल्ला। तो रिकंसिलेशन काउंसिल क्या करेगा कि जो भी अफगान के फ्यूचर पीस टॉक्स है उसको लीड करेगा रिकंसिलेशन काउंसिल, उसके हेड होंगे मिस्टर अब्दुल्ला। तो यूएस तालिबान पीस डील को यहाँ पे हम देख लेते हैं। 29 फरवरी 2020 में यूएसए ने तालिबान के साथ पीस डील साइन की थी, और उसके अंतर्गत यूएसए और नेटो की जो ट्रूप्स है वो अफगानिस्तान को छोड़ देगी, वहां से बाहर निकलेगी। यहाँ पे आप अफगानिस्तान का लोकेशन देख सकते हैं, लैंडलॉक कंट्री है ये। इसके आप बॉर्डरिंग कंट्रीज देख सकते हैं, यहाँ पे तजिकिस्तान, यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे ईरान, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे उज्बेकिस्तान। तो अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। तो इंडिया का स्टैंड क्या है इन सब जगहों पे? तो इंडिया ने इस पावर शेयरिंग डील को वहां पे स्वागत किया, इस पावर शेयरिंग डील का। और इंडिया के लिए अफगानिस्तान का जो ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि जो भी कंट्री जो भी पावर अफगानिस्तान कंट्रोल करेगा वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट और सेंट्रल एशिया के बीच में और ईरान के बीच में जो भी रूट्स है उसको कंट्रोल करेगा, इसलिए इंडिया को ज्योग्राफिकली अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट है कनेक्टिविटी के लिए सेंट्रल एशिया और ईरान से। फिर इकोनॉमिकली सेंट्रल एशिया के सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन जो कंट्रीज है उसके अंदर कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब कंट्रीज जो आते हैं वो ऑयल एंड मिनरल रिच कंट्रीज है, तो उन तक पहुंचने के लिए अफगानिस्तान एक गेट वे है, तो इंडिया के लिए वो भी एक इंपॉर्टेंट है। फिर इंडिया जो है अफगानिस्तान के अंदर पॉपुलर है सॉफ्ट पावर के तौर पे। इंडिया ने अफगानिस्तान को जो डेमोक्रेटिक जब गवर्नमेंट जब से अफगानिस्तान के अंदर बनी है तब से इंडिया ने अफगानिस्तान को बहुत मदद की है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, हॉस्पिटल्स, रोड्स, डैम्स बनाने के लिए, और अफगानिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए भी इंडिया ने वहां पे मदद की है। और इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन किया है, और वहां पे एक डैम भी बना है जिसका नाम है सलमा डैम, इसे इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेटहुड डे ऑफ सिक्किम। तो 16 मई को सिक्किम का स्टेटहुड डे मनाया गया। तो सिक्किम हमारे नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, ईस्टर्न हिमालय के अंदर लोकेटेड है, एक छोटा सा यहाँ पे स्टेट है सिक्किम, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके नॉर्थ में आपको मिलेगा चाइना, इस तरफ है भूटान और इस तरफ है नेपाल। तो सिक्किम जो नाम है वो एक लिंबू ट्राइब, सिक्किम के अंदर जो लिंबू ट्राइब है उनके सुहिम इस वर्ड से मिला है सिक्किम ये नाम। सुहिम यानी क्या? न्यू हाउस। इसका कैपिटल है गैंगटॉक, और बॉर्डरिंग कंट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं चाइना, भूटान और नेपाल, और इंडिया के वेस्ट बंगाल के स्टेट के साथ ये बॉर्डर वहां पे स्थापित करता है। तो इसके हम हिस्ट्री में जाते हैं सिक्किम के। 1950 में सिक्किम इंडिया का प्रोटेक्टेड स्टेट बना, इंडिया सिक्किम के बीच में ट्रीटी साइन हुई थी, और इंडिया ने सिक्किम के एक्सटर्नल रिलेशंस, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया ने इस ट्रीटी के अंतर्गत ली थी। फिर 16 मई 1975 में सिक्किम इंडिया का 22nd स्टेट बना। तो 1975 तक सिक्किम के अंदर नमग्याल, जिसे चोग्याल भी बोलती है, डायनेस्टी वहां पे रूल कर रही थी, और फाइनली 16 मई 1975 में सिक्किम इंडिया का स्टेट बन गया। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन इसके हम देख लेते हैं। तो ज्योग्राफी के अगर हम देखें
तो सिक्किम के अंदर आपको मिलेगा माउंट कंचनजंगा, जो इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट पीक है और पूरी दुनिया का थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है, आपको मिलेगा सिक्किम के अंदर। आपके लिए क्वेश्चन है कि इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है और कौन से स्टेट में लोकेटेड है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। देन सिक्किम के अंदर आपको कंचनजंगा नेशनल पार्क भी मिलेगा, जो कि 2016 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर मिक्स्ड कैटेगरी में घोषित किया था। मिक्स्ड कैटेगरी यानी क्या, नेचुरल एज वेल एज कल्चरल। तो इंडिया का एकमात्र मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो सिक्किम के अंदर आपको मिलेगी तीस्ता रिवर, और तीस्ता रिवर के यहाँ पे ट्रिब्यूटरी से रंगित लोनक, तालुंग और लाचुंग। जो तीस्ता रिवर के ऊपर से इंडिया और बांग्लादेश के बीच में वाटर कॉन्फ्लिक्ट है, उसके वाटर शेयरिंग के ऊपर से, और तीस्ता रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो रिसेंटली नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नेशनल एक ऑनलाइन डैशबोर्ड का डेवलपमेंट किया, उसका नाम है नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि हमारे जो भी माइग्रेंट वर्कर्स है उनके डेटा को मेंटेन करेगा, एक सेंट्रल रेपोजिटरी रहेगा ये सिस्टम, और जो भी इंटरेस्टेड कम्युनिकेशन है और उनके जो वर्कर्स है स्मूथ मूवमेंट के लिए उनको हेल्प करेगा। तो आप देख सकते हैं कि कोविड-19 के कारण जो भी वर्कर्स है अपने नेटिव प्लेस में जा रहे सिटीज है, तो उनके स्मूथ मूवमेंट के लिए ये NMIS सिस्टम बनाया गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए भी हेल्प करेगा कोविड-19 के लिए। तो वर्कर्स के लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल ट्रेन की भी अनाउंसमेंट की है, उसका नाम है श्रमिक स्पेशल ट्रेन। तो NDMA में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक स्टेट्यूटरी बॉडी है जो कि बनी है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 से। इसके चेयरपर्सन होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर और अन्य 9 मेंबर्स है, उसमें से एक उन मेंबर्स में से एक होता है वाइस चेयरपर्सन। नेक्स्ट टॉपिक है ICGS सचेत। तो रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने ICGS सचेत और दो इंटरसेप्टर बोट्स का कमीशन किया है। तो ICGS सचेत का हम बेसिक्स में देख लेते हैं। तो हमारी जो 5 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स है उसमें से फर्स्ट है ICGS सचेत। ये पेट्रोलिंग वेसल है और इसे बनाया है ये इंडिजिनस प्रोडक्शन किया, यानी इंडिया के अंदर इसका प्रोडक्शन किया है गोवा शिप यार्ड लिमिटेड ने। एक डेजिग्न और यहाँ ये कैरी कर सकती है 2 ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर को, 4 हाई स्पीड बोट्स को और 1 इन्फ्लेटेबल बोट को। यहाँ पे आप देख सकते हैं ICGS सचेत को। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के हम बेसिक्स में देख लेते हैं। 1978 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के अंडर, और इंडिया के इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस में से एक है इंडियन कोस्ट गार्ड। ये आते मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, इसके हेडक्वार्टर से न्यू दिल्ली में, और इसका ज्यूरिडिक्शन है इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स, कंटिगस जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडिया की जो भी मरीन एनवायरमेंट है उसका प्रोटेक्शन करना, और एक कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी है ऑयल स्पिल से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक है रिवर नीला। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक वेबिनार का आयोजित किया था, उसका नाम है एक्सप्लोरिंग रिवर नीला। तो वेबिनार एक पार्ट है देखो अपना देश इस वेबिनार सीरीज का। तो रिवर नीला जो है उसे भारत फूजा या फिर पोनानी भी कहते हैं। इसका ओरिजिन हम देख लेते हैं, ये ओरिजिनेट होती है तो तमिलनाडु से, तमिलनाडु के त्रिमूर्ति हिल्स अनमलय इस रीजन से अमरावती फूजा रिवर निकलती है, और केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट से कलपति फूजा रिवर निकलती है, और इन रिवर से फॉर्म होती है रिवर नीला जिसका नाम है भारत फूजा या फिर पोन्नानी। ओके, तो इसका ड्रेनेज एरिया अगर हम देखें तो केरला और तमिलनाडु से फ्लो होती है, और ये वेस्टवर्ड फ्लोइंग है, पलक्कड़ गैप से फ्लो होती है और अरेबियन सी के अंदर जाके ये गिरती है। इसके ऊपर एक हाईएस्ट डैम है, उसका नाम है मलम फूजा डैम। नेक्स्ट टॉपिक है डैमर भाषा डैम। तो पाकिस्तान और चाइना पावर इस कंपनी के बीच में, जो कि चाइना का स्टेट रन फर्म है, उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है डैमर भाषा डैम के ऊपर से, और डैमर भाषा डैम को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, तो ये लोकेटेड है इंडस रिवर के ऊपर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा रीजन में और इंडिया के गिलगिट बल्तिस्तान रीजन में लोकेटेड है, और इंडिया के POK में आता है, इसलिए इंडिया ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस खड़े किए हैं। एक टॉलेस्ट रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट डैम होगा पूरे दुनिया का, और ये गिलगिट बल्तिस्तान रीजन जो इंडिया के POK में आता है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये लोकेटेड है इंडिया के, इसलिए इंडिया ने इसको अपोज किया है। यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पे दैमर भाषा डैम।
तो इंडिया और पाकिस्तान के बाउंड्री पे यहाँ पे देख सकते हैं, इंडस रिवर के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है वेस्ट बंगाल मेजर इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक, इनके बीच में एक लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है। उसका नाम है वेस्ट बंगाल मेजर इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। तो इसके अंदर इरिगेशन और फ्लड मैनेजमेंट को इंप्रूव करने के लिए प्रोजेक्ट होगा और इसके अंदर दामोदर वैली कमांड एरिया भी शामिल होगा। इसके कारण, इस प्रोजेक्ट के कारण वेस्ट बंगाल के तकरीबन 2.7 मिलियन फार्मर्स को इसका बेनिफिट होगा। तो दामोदर रिवर के हम बेसिक्स में जाते हैं। इसका राइज होता है छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड से, पलमू हिल्स से, और ये झारखंड और वेस्ट बंगाल से फ्लो होती है और अल्टीमेटली वेस्ट बंगाल के अंदर ये हुगली रिवर को ज्वाइन करती है, दामोदर रिवर। तो दामोदर रिवर एक रिफ्ट वैली से फ्लो होती है और हर साल दामोदर रिवर फ्लड्स लेके आते हैं वेस्ट बंगाल में, इसलिए इसे सॉरो ऑफ बंगाल भी कहते हैं। तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन को यहाँ पे हम देख लेते हैं। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर आपको चार डैम्स मिलेंगे इंपॉर्टेंट। तो तिलैया डैम जो लोकेटेड है बराकर रिवर में झारखंड के अंदर, तो बराकर ट्रिब्यूटरी है दामोदर रिवर की। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बराकर रिवर है, ये मिलती है दामोदर रिवर को। देन कोनार डैम, ये लोकेटेड है कोनार रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी दामोदर रिवर की झारखंड के अंदर। देन है मैथोन डैम भी बराकर रिवर के ऊपर लोकेटेड है, आप देख सकते हैं मैथोन डैम यहाँ पे लोकेटेड है, मैथोन डैम यहाँ पे, तिलैया डैम। देन फिर पंचायत डैम, तो पंचायत डैम जो है वो भी दामोदर रिवर के ऊपर लोकेटेड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पंचायत डैम। नेक्स्ट टॉपिक है 11th पंचेन लामा। तो रिसेंटली यूएसए ने चाइना को अर्ज किया है कि जो इलेवेंथ पंचेन लामा जो है, जो टिबेटन बुद्धिज्म के लामा थे, जिनको चाइना ने अपने सिक्स्थ एज में, जो कि वो 6 साल के थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं पंचेन लामा, जब ये 6 साल के थे तब चाइना ने इन्हें, चाइना के ऑथोरिटी ने इनको अपने कब्जे में लिया था। तो यूएसए ने उनको अर्ज किया चाइना को इन्हें रिहा किया जाए, उनको रिलीज किया जाए। तो 1995 में घेडुन चोयकी नियमा ये बने 11th पंचेन लामा टिबेटन बुद्धिज्म के अंदर। और पंचेन लामा जो होते हैं वो सेकेंड हाईएस्ट स्पिरिचुअल ऑथोरिटी होते हैं टिबेटन बुद्धिज्म में, दलाई लामा के बाद में। तो चाइना ने इन्हें एज ए थ्रेट घोषित कर दिया और उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। और उसके बाद में ये दुनिया के सबसे यंगेस्ट पॉलिटिकल प्रिजनर बने और फिर चाइना ने इनको कब्जे में लिया और उनकी जगह गैलसेन नोरबू, उनको पंचेन लामा करके वहां पे अपॉइंट कर दिया। तो बैकग्राउंड हम देख लेते हैं तिब्बत और चाइना का। तो तिब्बत जो है वो चाइना का ऑटोनोमस रीजन है और चाइना इसे हमेशा क्लेम कर दे कि हमारा ओल्ड सोवरेन रीजन है तिब्बत। बट जो टिबेटेंस है वो आर्ग्यू करते हैं कि तिब्बत ये ऑटोनोमस है और इसको बाद में कोलोनाइज किया गया है। तो 1959 में जब एंटी चाइना अपराइजिंग फेल हो गई थी तिब्बत के अंदर और जिसको लीड किया था 14 दलाई लामा ने, और दलाई लामा फिर तिब्बत से भाग के इंडिया में आ गए और इंडिया में उन्होंने गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाया तिब्बत का। तो फिलहाल दलाई लामा को शरण दिया है इंडिया ने। तो चाइना दलाई लामा को एक सेपरेटिस्ट थ्रेट करके वहां पे देखता है। तो टिबेटन बुद्धिज्म के हम बेसिक्स में यहाँ पे देख लेते हैं। तो टिबेट के अंदर जो बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ एंड ऑफ 8th सेंचुरी में, जो टिबेटन बुद्धिज्म है आपको टिबेट के अंदर, फिर हिमालय रीजन में, लद्दाख से लेकर सिक्किम तो आपको मिलेगा ये, फिर नेपाल के कुछ पार्ट में, फिर मंगोलिया में और रशिया में आपको टिबेटन बुद्धिज्म मिलेगा, और भूटान इस कंट्री का ये तो स्टेट रिलीजन है टिबेटन बुद्धिज्म। तो टिबेटन किंग जिनका नाम था त्रिसोंग डेटसन, इन्होंने इंडिया से 2 बुद्धिस्ट मास्टर्स को इनवाइट किया था जिनका नाम था शंतरक्षिता और पद्म संभावना, जो इंडिया से टिबेट में गए थे और इन्होंने जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उनको टिबेटन लैंग्वेज में उन्होंने ट्रांसलेट किया था। तो टिबेटन बुद्धिज्म के अंदर तारा ये फेमस सेवियर गॉडेस है टिबेटन बुद्धिज्म में और ये पॉपुलर है नेपाल, टिबेट और मंगोलिया के अंदर। टिबेटन बुद्धिज्म जो है वो महायाना बुद्धिज्म की टीचिंग्स को, फिर तांत्रिक और शैमनिक टीचिंग्स को, और टिबेट का जो एंशियंट रिलीजन था बॉन, उनके टीचिंग्स को टिबेटन बुद्धिज्म कंबाइन करता है। तो लामा इनके अंदर होता है यानी टीचर,
और टिबिट के की पेट्रोन डेटी है अवलोकितेश्वरा, जिन्हें बुद्ध ऑफ कंपेशन भी कहते हैं। आप यहाँ पे अवलोकितेश्वरा की आप यहाँ पे मूर्ति देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एंडेमिक डिसीज। तो रिसेंटली WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह प्रेडिक्ट किया है कि जो कोरोना वायरस है वो शायद इंडिया से पूरे वर्ल्ड से कभी खत्म नहीं होगा और ये एंडेमिक डिसीज करके यहाँ पे रह जाएगा। तो COVID-19 को ऑलरेडी WHO ने पैंडेमिक घोषित कर दिया था। ओके, तो एंडेमिक डिसीज यानी क्या? एंडेमिक डिसीज यानी क्या? ऐसा इन्फेक्शियस डिसीज जो कि किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में या फिर किसी भी पॉपुलेशन के अंदर कॉन्स्टेंट रूप में यहाँ पे रह जाता है। ओके, उसे बोलते हैं एंडेमिक डिसीज। तो इसके एग्जाम्पल है चिकन पॉक्स और मलेरिया। तो एपिडेमिक्स जब एंडेमिक बनते हैं यानी क्या, वो इंक्रीजली लोग उसको टॉलरेट करते हैं, यानी ये क्या न्यू नॉर्मल बन जाता है, और फिर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोटेक्शन की वो शिफ्ट हो जाती है गवर्नमेंट से इंडिविजुअल्स पे, और फिर पीपल पब्लिक उसके बारे में अवेयर हो जाती है उसके इन्फेक्शन से और अपने अंदर कुछ बिहेवियरल चेंजेस लेके आती है। तो यह एंडेमिक डिसीजेस। तो आर नॉट एंड स्प्रेड ऑफ डिसीज को यहाँ पे हम देख लेते हैं। आर नॉट यानी क्या? डिसीज कितने तेजी से जो इन्फेक्शन फैलते उसको बोलते हैं आर नॉट। तो एक बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर है और इंडिकेट करता है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन एवरेजली कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं आर नॉट। तो एंडेमिक डिसीज का आर नॉट होता है आर नॉट इक्वल टू वन, और जब आर नॉट वन से ज्यादा हो जाता है उसे एपिडेमिक बोलते हैं। नेक्स्ट है फाइब्रोइन बेस्ड हाइड्रोजेल फॉर इंसुलिन। तो रिसेंटली जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च इस इंस्टीट्यूट ने एक इंजेक्टेबल सिल्क फाइब्रोइन बेस्ड हाइड्रोजेल का निर्माण किया है जो कि सस्टेंड इंसुलिन डिलीवरी डायबिटिक्स पेशेंट के अंदर उनको हेल्प करेगा। तो ये इंस्टीट्यूट है, रिसर्च सेंटर है, ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर। तो डायबिटीज के हम बेसिक्स में जाते हैं। तो डायबिटीज किसी भी पर्सन में कब होता है? जब उस पर्सन में इंसुलिन की मात्रा का जो प्रोडक्शन है कम हो जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ बीटा सेल्स। बीटा सेल्स कहाँ पे बनते हैं? पैनक्रियाज, जो इंसुलिन बनाते हैं। तो इंसुलिन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। बट जब इंसुलिन जब कम हो जाता है तब जो बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाता, और उसके कारण हमारे ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है बढ़ जाता है और हमारे अंदर शुगर की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, उसे बोलते हैं डायबिटीज। तो इंडिया के अंदर तकरीबन 70 मिलियन लोगों को डायबिटीज है, और पूरी दुनिया में चाइना टॉपर है डायबिटीज के पेशेंट में और सेकेंड है इंडिया। तो सिल्क फाइब्रोन इसको हम देख लेते हैं। तो एक यूनिक प्रोटीन से जो कि मिलता है सिल्कवर्म फाइबर से, और ये बायो कंपेटिबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है, इससे ऑक्सीजन परमेबल हो सकता है और इसकी बायोडिग्रेडेबिलिटी इसकी ज्यादा है। नेक्स्ट हाइड्रोजेल एक थ्री डायमेंशनल नेटवर्क है हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स का जो कि पानी के अंदर स्वेल होते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ये वहां पे प्रोक्योर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है घड़ियाल। तो रिसेंटली यूपी के गवर्नमेंट ने घाघरा रिवर के अंदर घड़ियाल को रिलीज किया है। तो घड़ियाल का नेचुरल हैबिटेट है फ्रेश वाटर, इंडिया के मोस्टली नदन पॉट्स में मिलते हैं। घड़ियाल जिनको गवियाल्स भी बोलते हैं एक टाइप का एशियन क्रोकोडिलियन है। इसकी जो नाक होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसी लंबी होती है, और यहाँ पे पॉट टाइप घड़ा टाइप यहाँ पे दिखता है, इसलिए इसको नाम है घड़ियाल। इसका प्राइमरी हैबिटेट है चंबल रिवर। तो चंबल रिवर के हम बेसिक्स में जाते हैं, इसका क्वेश्चन UPSC के 2018 के प्रिंस में भी आ चुका है तो इंपॉर्टेंट है। तो चंबल रिवर का जो ओरिजिन है होता है MP के इंदौर से होता है विंध्या माउंटेन रेंजेस से, और चंबल रिवर फिर ये फ्लो होती है राजस्थान में, राजस्थान से फ्लो होती है यूपी में, और यूपी में यमुना रिवर को ज्वाइन करती है। इसके ट्रिब्यूटरीज का नाम है बानस, काली सिंध और परबती। फिर यहाँ पे नेशनल चंबल सेंचुरी आपको मिलेगी चंबल रिवर पे, जो कि तीन स्टेट्स की बाउंड्री पे आपको मिलेगी, राजस्थान MP और यूपी के बॉर्डर पे। तो इसी चंबल सेंचुरी के अंदर आपको घड़ियाल मिलेंगे जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, फिर रेड क्राउन रूफ टर्टल आपको मिलेंगे और गैंगेस रिवर डॉल्फिन आपको मिलेंगे जो कि एंडेंजर्ड है। तो इसका सेकेंडरी हैबिटेट आप देख सकते हैं यहाँ पे घाघरा रिवर और गंडक रिवर और गिरवा रिवर, इसके सेकेंडरी हैबिटेट है। गिरवा रिवर के अंदर आपको मिलेंगे कतरनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी के अंदर, और रामगंगा रिवर के अंदर आपको ये घड़ियाल्स मिलते हैं, और इसके अंदर आपको रामगंगा गुजरती है
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन से स्टेट में लोकेटेड है आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। और सोन रिवर के अंदर भी आपको ये फाउंड होती है। तो इसका प्रोटेक्शन स्टेटस हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो घड़ियाल जो है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN रेड लिस्ट में। फिर ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आते हैं और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं। और कंजर्वेशन एफर्ट्स अगर हम इंडिया में देख लें तो यूपी के लखनऊ में ब्रीडिंग सेंटर्स ऑफ कुकरेल घड़ियाल रिहेबिलेशन सेंटर आपको मिलेगा, और MP के अंदर आपको घड़ियाल इको पार्क मिलेगा नेशनल चंबल सेंचुरी में। देन घाघरा रिवर के हम बेसिक्स में जाते हैं। तो घाघरा रिवर एक्वेटिक कॉरिडोर है घड़ियाल्स के लिए यूपी के अंदर। इसका सोर्स आपको मिलेगा तिब्बत मानसून रिवर के अंदर। ये गुरला मंधाता पीक के साउथ से ओरिजिनेट होती है घाघरा रिवर, फिर वहां से एंटर करती है यूपी के अंदर। फिर नेपाल के अंदर इसे कर्णेली भी कहा जाता है, और इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है घाघरा की सरदा, सरयू और राप्ती। तो सरयू नदी के किनारे आपको अयोध्या लोकेटेड मिलेगा। फिर घाघरा रिवर ज्वाइन करते हैं गंगा रिवर को छापरा बिहार के नजदीक। तो क्रोकोडिलियंस का हम बेसिक्स में देख लेते हैं। घड़ियाल एक टाइप के क्रोकोडिलियंस है, और इंडिया के अंदर आपको 3 स्पीशीज मिलते हैं क्रोकोडिलियंस की। एक है घड़ियाल, सेकेंड है मगर क्रोकोडाइल जो कि IUCN के वल्नरेबल लिस्ट में आते हैं, और थर्ड है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो कि IUCN के लिस्ट कंसर्न स्पीशीज में आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह गंगा रिवर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं घाघरा रिवर। तो यहां से निकलती है घाघरा रिवर नेपाल तिब्बत से, फिर नेपाल के अंदर, फिर यहाँ पे इंडिया में एंटर करती है यूपी में, और फिर यहाँ पे मीट करती है गंगा रिवर को। नेक्स्ट दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो दिबांग यहाँ पे भी देख सकते हैं, दिबांग वैली है यहाँ पे, ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे दिबांग रिवर, और यहीं पे लोकेटेड है ये दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट अभी तक का। और एक बार ये कंप्लीट होने के बाद में ये इंडिया का हाईएस्ट डैम बनेगा। इसकी हाइट होगी 278 मीटर्स। नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। तो 15 मई के दिन इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज को मनाया गया। तो 1993 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था इसे मनाने के लिए। और 2020 का इसका थीम है फैमिलीज इन डेवलपमेंट कोपनहेगन एंड बीजिंग प्लस 25। तो कोपनहेगन एंड बीजिंग प्लस 25 क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस ऑन वुमेन जो कि ऑर्गेनाइज करती है यूनाइटेड नेशंस। तो इन्हें ऑर्गेनाइज किया था 1975 में मैक्सिको सिटी में, फिर 1980 में कोपनहेगन में, 1985 में नैरोबी में, और 1995 बीजिंग में। तो अभी तक ये 4 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन्स को ऑर्गेनाइज किया गया है। लोकेशंस और ईयर भी आप यहाँ पे देख लेना। और जो 2020 है वो फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन जो कि बीजिंग में हुआ था, और वहाँ पे बीजिंग डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया था, उसके 25th एनिवर्सरी को ये सेलिब्रेट करता है, इसलिए इसका नाम है बीजिंग प्लस 21। नेक्स्ट है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसेंटली हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इन्होंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग को अटेंड किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। तो इसके हम बेसिक्स में जाते हैं SCO के। तो एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है इंटरनेशनल लेवल पे। इसका क्रिएशन हुआ था SCO चार्टर से जो कि साइन हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग में जून 2002 में, और ये फोर्स में आया 2003 में। तो SCO के ऑफिशियल लैंग्वेजेस है रशियन और चाइनीज। फिर SCO का जो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसका नाम है हेड्स ऑफ द स्टेट काउंसिल। तो SCO की 2 परमानेंट बॉडीज है, एक है SCO सेक्रेटरिएट जो कि बीजिंग में बेस्ड है, और सेकेंड है एग्जीक्यूटिव कमिटी रैट्स जो कि बेस्ड है ताशकंद के अंदर। तो रैट्स का फुल फॉर्म है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो SCO के हम 8 मेंबर्स यहाँ पे देख लेते हैं, इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 8 मेंबर कंट्रीज है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में। आपके लिए क्वेश्चन है कि 2019 में SCO की समिट कहाँ पे हुई थी, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग। तो रिसेंटली 32nd कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के हम बेसिक्स में जाते हैं। इसे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ भी कहते हैं। ये 53 मेंबर कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है,
और जो कंट्रीज पहले ब्रिटिश के कॉलोनियल कॉलोनियल रूल के अंडर था वो इसके मेंबर्स है। बट जो इनका जो मेंबर कंट्रीज के जो स्टेटस है वो फ्री एंड इक्वल है, और कोई भी मेंबर जो स्टेट्स है वो एक दूसरे से लीगली लायबल नहीं है। तो इसके जो मेंबर कंट्रीज है उनको यूनाइट करता है लैंग्वेज, हिस्ट्री, कल्चर, लाइकलीनेस ऑफ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ के बेसिस पे। तो इसका पुराना नाम है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, इसके 53 मेंबर स्टेट्स है, और ये जो मेंबर स्टेट्स है वो ब्रिटिश एम्पायर के फॉर्मर टेरिटरीज थे। ये इंटर गवर्नमेंटल कंसेंसस से बना है मेंबर्स के बीच में। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में लंदन डिक्लेरेशन से, और इसकी सिंबॉलिक हेड है क्वीन एलिजाबेथ II। नेक्स्ट टॉपिक है गोल प्रोग्राम। रिसेंटली हमारे ट्राइबल मिनिस्टर ने गोल प्रोग्राम को लॉन्च किया है वेबिनार में। इसका फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। तो इनिशिएटिव है फेसबुक और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का, और जो गोल प्रोग्राम है वो मेंटरशिप प्रोवाइड करेगा हमारे ट्राइबल यूथ्स को डिजिटल मोड से। उनको एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोफेशनल, आर्टिसंस, आर्टिस्टिक और अन्य स्किल्स में वो ट्रेन करेगा। नेक्स्ट है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। तो रिसेंटली डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को लॉन्च किया है हमारे डिफेंस, डोमेस्टिक डिफेंस और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए। तो ऑलरेडी इंडिया के अंदर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लॉन्च किया गया था यूपी और तमिलनाडु के अंदर, बट इसके अंदर हमारे डिफेंस प्रोडक्शन के मेन जो इम्पीडिमेंट्स थे डोमेस्टिक प्रोडक्शन के, वो था स्टेट ऑफ आर्ट टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना। तो जो डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम जो है उसके अंदर ये स्टेट ऑफ आर्ट डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। तो इस स्कीम के अंदर फोकस होगा एमएससी मोस्ट और स्टार्टअप से पार्टिसिपेशन के लिए, और ये पार्टनरशिप प्रोवाइड करेगी प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ में। तो प्रोजेक्ट का जो फंडिंग होगा कुछ इस तरीके से होगा कि 75% जो फंड आएगा गवर्नमेंट की तरफ से आएगा ग्रांट इन एड्स के रूप में, और जो बचा हुआ 25% जो फंड है वो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के द्वारा आएगा, जिसके अंदर प्राइवेट मेंबर्स और स्टेट गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है इवेंट बॉट। तो रिसेंटली कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने वार्निंग दिया है इवेंट बॉट के बारे में। एक नया मालवेयर है जो कि हमारे एंड्रॉयड फोन सिस्टम से हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चुराता है। एक टाइप का ट्रोजन है जो कि हमारे मनी ट्रांसफर सर्विस और फाइनेंशियल एप्लीकेशन को ये हैम्पर करता है। तो मालवेयर यानी क्या? ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स को इलीगल वे से एक्ट करने पे अटैक कर देता है। तो मालवेयर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, मालवेयर को मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, उसका फुल फॉर्म है। तो मालवेयर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं वायरस, वर्म्स, ट्रोजन्स में। तो वायरस यानी क्या? एक टाइप का प्रोग्राम होता है जो बाकी के प्रोग्राम्स को इन्फेक्ट करता है और अपनी कॉपीज को वहां पे इवॉल्व करता है। फिर वर्म्स क्या होते हैं? वर्म्स अनलाइक वायरसेस, एक कंप्यूटर वर्म्स जो होते हैं वो मैलिशियस प्रोग्राम को कॉपी करते हैं अलग अलग सिस्टम्स के अंदर। और ट्रोजन्स जो होते हैं वो हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स को वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसके अंदर लूप होल ढूंढ के निकलते हैं, जिसके कारण जो हैकर है उसे हमारे सिस्टम के अंदर एक्सेस मिल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है Q9 नोंगलेवड्यू। तो ये विलेज है मेघालय के अंदर, और इसका जो नाम है वो चिंकोना इस ट्री से, इस प्लांट से जो क्विनाइन मिलता है जो मलेरिया के लिए यूज होता है, इसके ऊपर से इस विलेज का नाम पड़ा है Q9 नोंगलेवड्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेघालय के अंदर, यहाँ पे मेघालय नॉर्थ ईस्ट में लोकेट कर लेना इसे। नेक्स्ट टॉपिक है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स यानी क्या होते हैं? एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो कुछ डिबेंचर्स कन्वर्टेबल होते हैं शेयर्स के अंदर और कुछ कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो जो डिबेंचर्स शेयर्स या फिर इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होते उन्हें हम नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी कहते हैं। तो जो नॉन कन्वर्टेबल जो डिबेंचर्स है उसे लॉन्ग टर्म फंडिंग के लिए यूज करते हैं पब्लिक इश्यू के थ्रू, और इनमें बेसिकली जो लेंडर्स जो होते हैं उन्हें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है रिटर्न्स में। तो इंडिया के अंदर जो मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का वो है 90 डेज। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट। तो ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रेस फ्रीडम को और प्रेस के प्रोटेक्शन को प्रमोट करता है, और जर्नलिज्म के प्रैक्टिस को भी इम्प्रूव करने के लिए ये प्रमोट करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, और इसके फिलहाल 120 मेंबर कंट्रीज हैं। तो ये कंसल्टेटिव स्टेटस एंजॉय करता है यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को और काउंसिल ऑफ यूरोप के अंदर। और IPI जो है वो मेंबर है इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक्सचेंज का, जो कि एक ग्लोबल एनजीओ का नेटवर्क है,
और ये फ्रीडम प्रेस को मॉनिटर करता है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो इस इंडेक्स को रिलीज किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स एक फैक्ट बेस्ड रैंकिंग है जो कि पॉलिसी मेकर्स और जो बिजनेस ग्रुप से उन्हें सक्सेसफुल एनर्जी ट्रांजिशन के लिए हेल्प करती है। तो इस रिपोर्ट में इस इंडेक्स में टॉप किया स्वीडन ने, उसके बाद में स्विट्जरलैंड और फिनलैंड आता है। तो 2020 की इस इंडेक्स से ये सामने आया कि जो 75% जो कंट्रीज है उन्होंने अपनी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव किया है। इंडिया का रैंक इसमें 74th है और इंडिया ने जो तीनों डायमेंशन है, जो तीनों पैरामीटर्स है, उसमें इंडिया ने इम्प्रूवमेंट दिखाया है। तो ये तीन डायमेंशन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, एनर्जी एक्सेस एंड सिक्योरिटी, और थर्ड है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी और ये लोकेटेड है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कुछ रिपोर्ट्स को रिलीज करता है, उसके हम इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो फर्स्ट है ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट, सेकंड है ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, थर्ड है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, फोर्थ है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, और फिफ्थ है ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020। तो इसे रिलीज किया रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। इस रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट के अंदर ये सामने आया कि पिछले 3 दशकों में यानी 30 सालों में जो फॉरेस्ट एरिया है वो डिक्लाइन हुआ है। देन बट जो रेट है फॉरेस्ट लॉस का वो कम हुआ है। देन फिर जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है पूरे पूरे दुनिया में, पूरे अर्थ के ऊपर, वो है 4.06 बिलियन हेक्टर्स, जो कि टोटल लैंड सरफेस के 31% है। देन जो टॉप फॉरेस्ट कवर कंट्रीज है उसके अंदर आते हैं आपको रशिया, ब्राजील, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स और यहाँ पे ये जो 5 जो कंट्रीज है, सॉरी रशिया, ब्राजील, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। तो जो 5 कंट्रीज है ये मिलके 54% फॉरेस्ट एरिया को कंस्टिट्यूट करते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा फॉरेस्ट लॉस आपको मिलेगा अफ्रीका के अंदर। देन जो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट गेन जो हुआ है वो हुआ है एशिया के अंदर। तो अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट टाइप वर्ल्ड में कौन से है, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ऑलमोस्ट 45% ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है पूरे फॉरेस्ट में से। उसके बाद में बोरियल, फिर टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल। देन हाईएस्ट परसेंटेज प्लांटेशन फॉरेस्ट के हैं आपको मिलेंगे साउथ अमेरिका में, और यहाँ पे आपको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा मिलेंगे साउथ अमेरिका में। देन इस रिपोर्ट के अनुसार तो फॉरेस्ट का जो नेचुरल रीजनरेशन है वो कम हुआ है, वो डिक्रीज हुआ है 1990 से, बट जो प्लांटेड फॉरेस्ट एरिया है वो इंप्रूव हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। तो FAO के हम बेसिक्स में जाते हैं, इसका फुल फॉर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है जो हंगर के खिलाफ लड़ती है। इसकी स्थापना 1945 में और इसके हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। नेक्स्ट टॉपिक है टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम। तो रिसेंटली इंडियन आर्मी ने इस स्कीम को यहाँ पे घोषित किया है। तो इसके अनुसार इंडियन आर्मी सोच रही है कि 3 साल की टेनर के लिए जो भी कॉमन सिटीजन है उन्हें आर्मी के अंदर सर्विस देने का मौका मिले। तो एक वॉलेंट्री एंगेजमेंट स्कीम होगी और ये स्कीम जो है वो आर्मी के अंदर हमारे बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करेगी और सिविल सोसाइटीज को भी आर्मी से करीब लेके आएगी। तो इस स्कीम के अंदर आर्मी ने ये भी बताया है कि जो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें 3 साल के लिए टैक्स फ्री इनकम उनको मिलेगी, या फिर उनको टोकन लमसम अमाउंट भी मिल सकता है 3 साल के बाद में, और उन लोगों को पब्लिक सेक्टर जॉब्स के अंदर और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में उनको प्रेफरेंस भी मिल सकता है। और ये जो पोस्टिंग जो होगी वो ऑफिसर एज वेल एज जवानी दोनों इसमें हो सकता है। तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे इस स्कीम के? तो सबसे पहले जो आर्मी के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कम हो जाएगा और आर्मी का मॉडर्नाइजेशन करने के लिए इसके अंदर हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स। तो रिसेंटली इसे ऑपरेशनल कर दिया गया है, रिसेंटली ऑपरेशन होने वाला है, ऑपरेशन में आने वाला है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स। तो एक ब्रिगेड साइज बैटल ग्रुप है जो कि एडवर्सरी के सिचुएशन में हॉस्टिलिटीज को ये टैकल कर सकता है, उनके ऊपर स्विफ्ट अटैक को लॉन्च कर सकता है। तो हर एक जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप जो होगा वो टेलर मेड होगा, यानी क्या, थ्रेट, टेरेन और टास्क के हिसाब से इसे डिजाइन किया जाएगा। तो इसे 12 से 48 आवर्स के बीच में इसको मोबिलाइज कर सकते हैं और हर एक जो बैटल ग्रुप है उसे हेड करेंगे मेजर जनरल। तो जो बैटल ग्रुप है डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों इसमें होंगे। नेक्स्ट है बोको हराम। तो एक वायलेंट इस्लामिस्ट इंसर्जेंट ग्रुप है बोको हराम,
जो कि लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट नाइजीरिया में, वेस्टर्न अफ्रीका के नाइजर और चाड और कैमरून के रीजन में, एक टेररिस्ट ग्रुप है। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है, इंडिया के इंडियन गवर्नमेंट की एजेंसी है जो इंडिया के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे और हमारे कल्चरल मॉन्यूमेंट्स का प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन यहाँ पे करती है। इसकी स्थापना की थी 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगहम के द्वारा, जो इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी थे। तो हर साल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, उसका नाम है कॉर्पस इंस्क्रिप्टम इंडिकेरम, फिर एनुअल रिपोर्ट ऑन इंडियन एपिग्राफी, एक एपिग्राफिया इंडिका और एंशियंट इंडिया। नेक्स्ट डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। तो रिसेंटली COVID-19 के चलते जो भी माइग्रेंट्स है पंजाब और हरियाणा से रिटर्न जा रहे यूपी और बिहार और अलग स्टेट्स के अंदर, उसी कारण जो माइग्रेंट्स क्राइसिस हुआ है और इन स्टेट्स के अंदर जो लेबर का शॉर्टेज हुआ है, तो उस शॉर्टेज को दूर करने के लिए उन्हें उन स्टेट्स ने उन गवर्नमेंट्स ने अपने फार्मर्स को डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस इस टेक्निक को यूज करने को वहां पे कहा है। तो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस जो है वो कन्वेंशनल ट्रांसप्लांटिंग मेथड से अलग है, तो दोनों के बीच हम डिफरेंस यहाँ पे देख लेते हैं। तो ट्रांसप्लांटिंग पैडी एक कन्वेंशनल जो मेथड है, इसके अंदर क्या होता है कि जो भी राइस है उसे नर्सरीज में प्रिपेयर करते हैं, उसे पहले बोते हैं, उसे सो करते हैं उसके सीड्स को, और जब ये बन जाते हैं तो उसको नर्सरीज में रखते हैं और फिर उसको अपरूट करने के बाद में वापस रीप्लांट करते हैं एक महीने के बाद में फील्ड्स के अंदर। तो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस जो है उसके अंदर क्या होता है, इससे अलग है, और उसके अंदर होता है कि जो प्री जर्मिनेटेड जो सीड्स है उसे ट्रैक्टर या फिर किसी पावर्ड मशीन के द्वारा उसे डायरेक्टली खेतों के अंदर उसे ड्रिल करते उसे सो करते हैं, इसके अंदर कोई नर्सरी प्रिपरेशन या फिर ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता। तो इसके एडवांटेज हम देख सकते हैं डायरेक्ट सीडिंग की, तो इससे वाटर सेविंग हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कन्वेंशनल मेथड है राइस प्लांटेशन का, ट्रेडिशनल मेथड है, और यह डायरेक्ट सीडिंग। तो डायरेक्ट सीडिंग का एडवांटेज है वाटर सेविंग, फिर लेस नंबर ऑफ लेबर्स, यहाँ पे लेबर्स कम लग सकते हैं, लेबर कॉस्ट बच सकता है, और जो मीथेन गैस की जो एमिशन है वो यहाँ पे भी कम हो सकती है। इसके बाद ड्रॉबैक्स क्या है कि हर्बिसाइड जो है उनकी नॉन अवेलेबिलिटी इसके अंदर ड्रॉबैक्स है, हर्बिसाइड से यहाँ पे लगते हैं। फिर इसका जो सीड रिक्वायरमेंट है DSR के अंदर ये भी ज्यादा है। फिर जो इसके अंदर जो जमीन है वो लेजर तरीके से उसको लेवल करना पड़ता है, जो हमारे किसान अफोर्ड नहीं कर सकते। तो राइस एक स्टेबल फूड है, इंडिया के अंदर मेजोरिटी पॉपुलेशन इसे स्टेबल फूड मानती है, एक खरीफ क्रॉप है जो कि हाई टेम्परेचर पे आता है, और 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे आपको ये मिलेगा, कि हाई ह्यूमिडिटी और हाई रेनफॉल जो कि 100 से ज्यादा उस रीजन में आपको मिलेगा। तो सदर्न स्टेट्स और वेस्ट बंगाल के इसमें जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो 2 से 3 राइस क्रॉप्स को पर ईयर अलाउ करते हैं लेने के लिए। तो वेस्ट बंगाल के अंदर 3 राइस क्रॉप्स आते हैं एक साल में, उसका नाम है ओस, अमन और बोरो। तो इंडिया के अंदर जो 1/4 जो टोटल क्रॉप एरिया है वो राइस कल्टीवेशन करता है, और इंडिया के अंदर जो प्रोड्यूसर स्टेट्स है सबसे ज्यादा राइस आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल में, फिर यूपी और पंजाब में। तो पूरी वर्ल्ड में इंडिया 21.6% राइस प्रोडक्शन को ये कंट्रीब्यूट करता है, और चाइना के बाद में इंडिया सेकेंड आता है राइस प्रोडक्शन में। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल बायोमेडिकल रिसोर्स इंडिजिनाइजेशन कंसोर्टियम। तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसे लॉन्च किया है हमारे इंडिजिनस इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, और हमारे जो भी डायग्नोस्टिक्स और वैक्सीन रिलेटेड जो भी 3Ps है उसको COVID-19 से रिलेटेड उसको बढ़ावा देने के लिए। तो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जिसे लीड किया है सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिकुलर प्लेटफॉर्म्स ने, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CCAM। तो CCAM के हम बेसिक्स में जाते हैं, तो ये सेंटर्स होते हैं जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करते हैं, और ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। इसका मकसद है कि इंडिया के अंदर स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी को डेवलप करना और एकेडमी और इंडस्ट्रीज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है जेड स्कैन मेथड फॉर पार्किंसंस डिसीज। तो रिसेंटली IIT इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद और CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता ने जेड स्कैन मेथड को डेवलप किया है, जो कि पार्किंसन डिसीज के ओरिजिन और प्रोग्रेशन को ये मॉनिटर करेगा। तो पार्किंसन डिसीज एक क्रॉनिक डिजेनरेटिव न्यूरल डिसऑर्डर है जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ये हमारे नर्व सेल को डैमेज करता है, और हमारे जो भी बिहेवियरल साइंस है और जो भी हमारे ब्रेन तक जो भी सिग्नल्स पहुंचते हैं उन्हें ये हैम्पर करता है। तो हमारे बॉडी के अंदर ब्रेन के अंदर जो डोपामाइन है उसके लेवल गिर जाते हैं इसके कारण।
तो डिसीज बहुत सारे मोटर सिम्टम्स यहाँ पे दिखाता है, मोटर सिम्टम्स यानी कि हमारे मसल मूवमेंट्स, ओके। तो इसी कारण जो रिजिडिटी, डिलेड मूवमेंट्स, पुअर बैलेंस और ट्रेमर्स हमारे बॉडी में आ सकते हैं। इस डिसीज का कोई क्योर नहीं है और ये मोस्टली 6 to 60 ईयर्स के पर्सन के बीच में हो सकता है। तो एग्रीगेशन प्रोटीन, उसका नाम है अल्फा साइनुक्लिन, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पार्किंसन डिसीज के लिए। और जो ये प्रोटीन जो है अल्फा साइनुक्लिन आपको मिलेगा ह्यूमन ब्रेन में, हर्ट और मसल्स के अंदर भी। तो जेड स्कैन मेथड जो है वो इस प्रोटीन को मॉनिटर करने का काम करता है। तो CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, हम बेसिक्स में देखते हैं, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी और इंडिया का फर्स्ट नॉन ऑफिशियल सेंटर है, और उसके बाद में फर्स्ट नॉन ऑफिशियल सेंटर है बायोमेडिकल रिसर्च का, और उसके बाद में CSIR के अंडर आ गया 1956 में। तो लोकेटेड कोलकाता वेस्ट बंगाल में, और ये केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, न्यूरोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी पे रिसर्च कंडक्ट करता है। नेक्स्ट समर्थ ERP। तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, नाम है समर्थ ERP। ERP का फुल फॉर्म है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये मिशन नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्कीम के अंडर आता है, और ये यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ये हेल्प करेगा। इस प्लेटफॉर्म को इंप्लीमेंट किया है फिलहाल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र ने, जो कि पार्टिसिपेंट यूनिट है वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के अंडर। तो नेशनल मिशन, इस मिशन को लॉन्च किया था 2009 में मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने, और इस मिशन का मकसद था कि हमारे जो भी एजुकेशनल सिस्टम है उसके क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। तो इस मिशन के अंदर क्या क्या इनिशिएटिव है, सबसे पहले स्वयं इनिशिएटिव है, एक ऑनलाइन कोर्स का प्लेटफॉर्म है, जो कि स्कूल 9 to 12th और हायर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का जो ऑनलाइन कोर्सेज को प्रोवाइड करके देता है। नेक्स्ट है स्वयं प्रभा, एक DTH चैनल है, 24/7 अवेलेबल है ये। फिर नेक्स्ट है नेशनल डिजिटल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। फिर फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, जो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए। और ई यंत्र, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस को ये हेल्प करेगा इफेक्टिव एजुकेशन के लिए। तो ये सभी इनिशिएटिव्स है इस नेशनल मिशन के। तो टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, इसके हम बेसिक्स में जाते हैं। तो 2002 में इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने वर्ल्ड बैंक की हेल्प से, और ये हमारी जो टेक्निकल एजुकेशन से उन और जो इंस्टीट्यूशन से उनकी कैपेसिटी को एनहेंस करने के लिए बनाया गया है। तो इस मिशन का जो थर्ड पार्ट है उसको लॉन्च किया था 2017 में, और इसे ये कंप्लीट होगा 2021 में, और इसका मकसद है कि क्वालिटी इंजीनियरिंग हमारे कॉलेज में मिले। नेक्स्ट कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस मशीन को इनोग्रेट किया है, जो कि एक ऑटोमेटेड कोरोना वायरस टेस्टिंग मशीन है, उसका नाम है कोबास 6800। एक फुल्ली ऑटोमेटेड रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के ऊपर चलती है, और ये फर्स्ट ऐसा टेस्टिंग मशीन डिवाइस है जो कि गवर्नमेंट ने प्रोक्योर किया है COVID-19 को टेस्ट करने के लिए, और इसे फिलहाल इंस्टॉल किया है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने। ये कोरोना COVID-19 के वायरस के अलावा बाकी के पैथोजेंस को भी डिटेक्ट करता है। तो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इसे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज भी कहा जाता था, और इसका ओरिजिन आपको मिलेगा 1909 में, जो सेंट्रल मलेरिया ब्यूरो बना था कसौली हिमाचल में, यहां से। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज उसको बाद में ट्रांसफॉर्म करके उसका नाम बन गया नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल 2009 में। एक नोडल एजेंसी है जो डिसीज सर्वेलेंस में काम करती है इंडिया में, और कम्युनिकेबल डिसीज को प्रिवेंट और कंट्रोल करने का काम करती है। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के पास, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, और इसके हेडक्वार्टर्स है दिल्ली में। नेक्स्ट है Y2K बग। तो रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस बग को मेंशन किया अपने भाषण में। तो एक बग है, एक फ्लॉ है Y2K, और लेट 1900s में यह प्रॉब्लम आया था 31 डिसंबर 1999 के बियॉन्ड डेट्स को लेके। तो Y2K इसका फुल फॉर्म है ईयर 2000, और ईयर 2000 इसे मिलेनियम बग भी कहते हैं, और एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर प्रॉब्लम है Y2K बग। इसके बैकग्राउंड में हम जाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, कि 1960s से 1980s में हमारे जो भी कंप्यूटर इंजीनियर्स है वो जो कंप्यूटर प्रोग्राम जो लिखते थे उसके अंदर जो तारीख मेंशन होती थी वो सिर्फ दो डिजिट होती थी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देख ले
तो अगर उन्हें 1999 लिखना है तो उन्हें वो सिर्फ 19 लिखते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जो डेटा स्टोरेज जो कंप्यूटर्स के अंदर होता था वो बहुत ही कॉस्टली होता था, और जो स्पेस जो जो भी प्रोग्राम्स थे वो ज्यादा स्पेस लेते थे, तो जो स्पेस को वहां पे बचाने के लिए और कॉस्ट कम करने के लिए सिर्फ यहाँ पे 2 डिजिट्स वहां पे लिखे जाते थे। बट जैसे ही साल 2000 नजदीक आया, तब जो भी प्रोग्रामर थे वो टेंशन में आ गए कि 2000 को अगर 22 अगर लिखा तो जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उसे 1900 को इंटरप्रेट करेगा, और उसी कारण जो भी हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, फिर ट्रांसपोर्टेशन, पावर प्लांट, मेडिकल इक्विपमेंट्स के अंदर जो भी प्रोग्राम्स यूज होते हैं और जो भी करेक्ट डेट और टाइम पे जो चलते हैं उनके लिए प्रॉब्लम वहां पे खड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए सॉल्यूशन निकाला गया कि जो डेट है उसे एक्सपेंड करके उसे 4 डिजिट में लिखा गया। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो रिसेंटली इस इंस्टीट्यूट ने कंटेनमेंट, आइडेंटिफिकेशन एंड COVID-19 के ट्रीटमेंट के लिए एजेंसीज को अप्रूवल दिया है। तो निपर जो है वो नेशनल इंपॉर्टेंस वाले इंस्टीट्यूट है, जो कि आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर। ये इंस्टीट्यूट जो है ये लीडरशिप प्रोवाइड करती है फार्मास्यूटिकल साइंस और रिलेटेड एरियाज में, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि साउथ एशिया और अफ्रीका के अंदर भी ये हेल्प प्रोवाइड करती है। इसके अंदर 7 इंस्टीट्यूट्स आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो ITU ने इस साल 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे को मनाया गया, और इस साल की इसकी थीम है कनेक्ट 2020 ICTs फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो 1969 में इसको स्थापना हुई थी, इसको सेलिब्रेट करने के लिए इसे मनाया जाता है। तो ITU जो है यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है जो कि टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेशंस और सर्विसेज को कोऑर्डिनेट करती है पूरी दुनिया में। तो इसको ओरिजिनली 1865 में इसको फाउंड किया गया था, इसकी स्थापना 1865 में हुई थी। इसका तभी नाम था इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन, और दुनिया की सबसे पुरानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके अंदर 193 मेंबर कंट्रीज है, इंडिया भी इसके मेंबर है। हमारा लास्ट टॉपिक है माइक्रो आरएनए। तो नॉन कोडिंग मॉलिक्यूल है जो कि प्रोटीन को ट्रांसलेट नहीं कर, जो प्रोटीन में ट्रांसलेट नहीं होते, और ये हमारे वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने के लिए हेल्प करते हैं माइक्रो आरएनए। ये क्या करते हैं माइक्रो आरएनए, जो भी जेनेटिक मटेरियल है आरएनए वायरस से, वो लैच हो जाते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।